My trip to Amritsar part 1. I hope you guys will like it. Darshan karna mat bhulna. Hey guys, welcome to another video. Welcome to my YouTube channel. So, आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं अमृतसर. टाइटल से तो आप लोगों ने देख लिया होगा. तो हम लोगों ने इंस्टेंट प्लान बनाया है कि हम लोग जा रहे हैं. तो ऑफकोर्स मैंने फटाफट अभी पैकिंग करी है. दो सूट रखे क्योंकि दो दिन के लिए ही जा रहे हैं. प्लस मैंने नाइट सूट्स रख लिए हैं क्योंकि अगर चाहिए हो तो वैसे. और मैं ऑलरेडी पहन कर जा रही हूँ. प्लान व्लान कुछ नहीं किया है, सीधा उठ के जा रहे हैं. शायद अभी जब मैं रास्ते में हूँ तो मैं देखूँगी. सो हुआ क्या है, मैं ना इंस्टेंट वो मम्मी ने बुक करवाई है, किसी के नून ने बात बात करके बस बुक करवाई है. सो पहले कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था. बहुत ऐसे जल्दी जल्दी प्लान बनाया. एंड फाइनली वी आर गोइंग, वी आर लीविंग राइट नाउ. So stay tuned and watch the video till the end. तो हम लोग आए हैं, अब मजनू का टीला पहुँचे हैं और अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं लाफिंग खाने के लिए. ये बन रही है इधर लाफिंग. हम काफ़ी लेट हो गए हैं तो इसने बाहर यही खुला था तो इधर ही आ गए. तो हमने खाई थी ड्राई वाइवा लाफिंग एंड सूपी लाफिंग जो बहुत ही यम्मी थी. मेरी फेवरेट है लाफिंग. एंड गर्वित ने भी ट्राई करी. इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी कि बिल्कुल मुंह सूज गया था. मम्मी ने भी ट्राई की बहुत ज़्यादा. और उसके बाद हम लोग गए थे डिनर करने वहीं पास के रेस्टोरेंट में क्योंकि 10 बजे मजनू का टीला बंद हो जाता है और वहीं से हमारी बस थी. ओके, तो अब हम वेट कर रहे हैं. यहाँ पे आए हम बसेस के लिए मजनू के टीले में. अब हमने खा पी लिया तो यहाँ पे अभी बसेस आ रही हैं तो वेट कर रहे हैं हमारी बस का. जो हमने मम्मी ने बात करी अभी तो अभी पता नहीं कितनी देर में आए, देखते हैं. तो हम लोग आ गए हैं अब बस में. झटके मार रही है. ये पहली बार है हम लोग बस में आए हैं. ताने से बंद करके सोना पड़ेगा रात को. ऐसे कैबिनेट है, मैं तो बंद नहीं कर रही. पता नहीं मैं तो कैसे, मैं बस में नहीं रह, मतलब कभी आई नहीं. देर हो रहा है, पहली बार आई. मम्मी का चली गई, पता नहीं, देखते हैं कि कैसा होता है. और मैं सीधा वहाँ जाके मिलती हूँ. मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊँगी, सो जाती हूँ. बस में तो मुश्किल है थोड़ा, अभी लग रहा है देखने से. हे गाइस, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं अमृतसर और अब हम आ गए हैं होटल में. चेक इन कर लिया है और सब कुछ रेडी वेडी होकर अब हम लोग जा रहे हैं. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रेडी हो. वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग आउट. सो मैंने पहन लिया है अपना आउटफिट एंड वी आर रेडी टू गो आउट. लेट्स गो. हम लोग आए हुए हैं खाने, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैंने तो अभी जूस पिया है. अभी अंदर जाएंगे, इधर बहुत ज़्यादा रश है. आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं. क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है. ये है हम रास्ते में, गेस करो कहाँ. ऑफकोर्स अमृतसर गए हैं तो गोल्डन टेम्पल तो जाएंगे. तो ये रहा गोल्डन टेम्पल. ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था. आगे आपको और क्लिप्स देखने को मिलेंगी. हम लोग खा रहे थे और पी रहे लस्सी, बादाम मिल्क. और इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी है, मतलब पूरा बुत्था सूज गया है. तो जम से होटल आ गए हैं अभी वापस. वो बॉटल ही नहीं संभल पा रही मुझसे. और इसके बाद जाएंगे वाघा बॉर्डर. वाघा बॉर्डर और वहाँ दिखाती हूँ सब कैसा था. अब हम लोग तैयार व्यार होकर जा रहे हैं वाघा बॉर्डर. एक तो वहाँ पर हर जगह यही है कि आप वीडियो मत बनाओ, कोई फ़ोन छीन कर ले जाएगा. भैया ने एज इट इज़ मेरा फ़ोन रखवा दिया. और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हद भीड़ थी कि ऑटो भी बीच में रुक गया और हमको जगह नहीं मिली जाने की. उसके बाद हम आगे जाके रिक्शा लेकर फिर जा रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देख सकते हो आप लोग. और ये तो आगे इतना ज़्यादा था कि आगे आपको जगह भी नहीं मिल रही. हमने वाघा बॉर्डर तो देखा था पर पूरा स्क्रीन पर परेड देखी क्योंकि अंदर जाने की जगह नहीं बची. जैसा वीडियो में दिख रहा है एग्जैक्ट सब कुछ वैसा था. और पता है वाघा बॉर्डर बहुत सुंदर था, यहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स भी क्लिक करी. तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि एंड हो रहा है. तो हम अभी उस साइड जाके वीडियो वगैरह बनाते हैं. मैंने बहुत सारी फोटो खींची है. अभी हमने लेस लिए हैं तो लेस खा रहे हैं. मैं ना फोटो के पीछे सब में पाकिस्तान का झंडा आया आउट ऑफ नोवेयर, ये यहाँ लगाया हुआ है.
बट इतना प्यारा सनसेट हो रहा था और पता नहीं मेरी लैशेस इतनी प्यारी लग रही है तो मैंने ले लिया। ये इधर जो पीछे दिख रहा होगा दिस इज इंडिया एंड इधर पाकिस्तान का है, ये पूरा ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ये पूरा, तो यहाँ से हमको हटा रहे हैं बट इवेंचुअली मैंने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींची है, मम्मी पापा की फोटो हर जगह खींची है। अब कह रहे हैं इंडिया गेट के आगे भी चाहिए, टैंक के आगे चाहिए, एयरप्लेन के आगे भी चाहिए। लेते हैं यार, कितना प्यारा व्यू है, झंडा भी है। ये ऐसे कॉपीराइट क्लेम तो नहीं लग जाता, ये कॉपीराइट क्लेम तो नहीं लगा देंगे, पता नहीं यार, देखते हैं। यहाँ पे फोटो खिंचानी है मम्मी पापा को इस जगह पे, ये भूख लग रही है ना, इनकी फोटो खींच के चलते हैं फिर। चलो अब चलते हैं। ये यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, इंडिया का झंडा नहीं है, इधर पाकिस्तान का लहरा रहा है। इसको कहते हैं भीड़ प्रोफाइल, पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा है। ओह नो, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, मतलब आप लोग देखोगे ना, मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी ये वाली, इतने ज्यादा लोग थे, मतलब चला ही नहीं जा रहा था, लिटरली पूरा भरा हुआ था। यहाँ पे तो डांस वांस हो रहा है पीछे गाने वाने लगाकर, और मेरे तो बाल बहुत खराब हो गए पता नहीं यहाँ आकर। और उसके अलावा ना यहाँ पे बहुत हर जगह जुत्ती और वो सब तो मिल रहा है। वैसे तो हमने सोचा कि गुरुद्वारे में ना, हमने देखा गुरुद्वारे के पास है बहुत सारा, तो वहीं से लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे पीछे ना अभी हम लोगों ने चाउमीन, और देखो मेरे हाथ खराब हो गए, पूरा तेल वेल लग गया। हमने खाई चाउमीन और नहीं खाया था, अच्छा गोलगप्पे खाए थे, गोलगप्पे का पानी बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा। अब मम्मी को देख रहे हैं, मम्मी पता नहीं आगे निकल गई, पापा मम्मी को ढूंढ रहे हैं, सब पीछे रुक गए। आज तो मैंने सेल्फी स्टिक रखी थी कि ऐसे व्लॉग करूंगी पूरा ये वो, पर इतनी भीड़ है यहाँ पर, ऐसे मम्मी बोलती है कि लाख लोग आए हैं। पापा को मस्त यहाँ पे गावा भी मिल गया, पपाया भी मिल गया। तो अब हम ये म्यूजियम आए हैं, पे ना बिल्कुल लाइटनिंग नहीं है, बहुत ज्यादा ना अंधेरा हो रखा है, पर चीज ये है कि अब हम लोग आ गए हैं वापस गोल्डन टेंपल, क्योंकि हमने सुबह लंगर नहीं आया था, भीड़ बड़ी हो रही थी और गर्मी लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हम रात को आके खाएंगे। तो अब हम आए हैं और खाएंगे, उससे पहले इधर म्यूजियम वगैरह देख रहे थे, स्टारबक्स भी है इधर, वाह मेरे को पता ही नहीं था अमृतसर में इधर मिलता है स्टारबक्स, सही है। हम लोग आगे जा रहे हैं और उधर जलियांवाला बाग के पास हवेली रेस्टोरेंट भी आ गया, सही है। देखिए मेरा मतलब ये वाली रोड मैंने पहली बार देखी, बड़ी प्यारी सी रोड है। क्या बड़ा बढ़िया रोड है यार ये, और बहुत बुरे से रहे, अभी लड्डू खाए हमने गले में पक गए, मतलब बिल्कुल ही स्वाद नहीं था। इन्होंने गाजर काट के दे दी थी साथ में, पता नहीं गाजर हमारे यहाँ शायद डिफरेंट तरह से देते हैं, तो शायद इसलिए मुझे वो पसंद था। अब हम लोग हैं तो उसी रोड पे है, अभी हम लोग कर रहे हैं अभी शॉपिंग, तो मैंने अभी लिया है दुपट्टे, पाकिस्तानी दुपट्टे, और अब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बहुत फेमस है फुलकारी हाउस, तो यहाँ पे हम फुलकारी वो देखने आए हैं, दुपट्टे एंड सूट्स। शॉपिंग करके अब हम आगे जा रहे हैं, हम आ गए ऑलमोस्ट इधर जलियांवाला बाग आ गए, तो वहाँ तक आ गए हैं, और मुझे कड़े लेने हैं यार, काफ़ी टायर्ड तो मैं हो गई हूँ। ये रहा जलियांवाला बाग, ये कल दिखाऊंगी आप लोगों को मैं, वाह यार यहाँ पे ना बड़े सही सही वे मिलते हैं, मैंने लिए हैं दुपट्टे, मैं दिखाऊंगी वैसे मैंने कड़े लिए हैं, देख दिखा हट, ये डुगू का बुगू का खुश का, गरु दिखाओ, गरु ने भी ले लिया है,
मैंने भी ले लिया है, कड़ा ले लिया है हमने, और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। और रात को इतना सुंदर लग रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सब बहुत सुंदर लग रहा है। ये एंट्रेंस है, ये गोल्डन टेम्पल नहीं है, मतलब यहाँ से जाना होता है तो आगे जाके आता है गोल्डन टेम्पल, ये तो बस एंट्रेंस है। भीड़ देख रहे हो, भीड़। ये रहा गोल्डन टेम्पल, रात में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि वहीं बैठे रहो। उसके बाद हम लोग ने सोचा हम लंगर खाने जाएंगे, और मुझे क्या पता था डेढ़ दो घंटे से ज़्यादा लाइन में इतने लग जाएंगे। लंगर खाने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे, देखो कितना प्यारा लग रहा है, रेज निकल रही थी वहाँ से। हम काफ़ी देर वहाँ बैठे, दर्शन किए, और उसके बाद मेरी बहन मिली वहाँ पर, जो हमने कड़े लिए थे डुगू बुगू खुश, और मेरे सारे मेरे भाइयों के लिए। तो मम्मी ने उन सारे कड़ों को निकाला और सबको सरोवर में डालकर, क्योंकि वो पानी जल, सॉरी ये जल बहुत शुभ होता है, तो इसलिए इन सबको जल से पूजा। हेलो, बोलो हेलो, करो ऐसे, हेलो करो। अच्छा पहले हेलो बोल दो, मैं तेरे को जा रहे थे, जाते जाते फिर वो खुशबू का फोन आ गया, कज़न, माई कज़न, तो फिर ये लोग भी यहीं थे, तो अब हम लोग मिले हैं, फिर अब चलते हैं होटल। और वैसे भैया ने वीडियो वीडियो दिखा दी सारी, दर्शन वर्शन पूरी भैया, आ गए वापस, हालत पूरी हो गई, और 1 बज गई है ऑलमोस्ट, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, लिटरली फटाफट चेंज करके मैं सोने जा रही हूँ। ओके, सो आ गई मैं रूम में, और मैंने चेंज वेंज कर लिया है, बिल्कुल हालत नहीं हो रही, मतलब गलत एडी है क्या मेरा? ओह शिट, यस। ऑल्सो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई थी आज सुबह, वो ये थी कि ना गाइज, मैंने यहाँ पे अमृतसर में बुकिंग करा दी थी पहले से, तो मैंने ना होटल बुक करवाया था स्विमिंग पूल वाला और ये सब। हुआ क्या, यहाँ जब मैं आई, मैंने वो करवाई थी booking.com से, एक वेबसाइट है, मुझे सफारी पे मिली थी। तो क्या हुआ कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतना बड़ा स्कैम, वो वेबसाइट थी तो डाउनलोड करने को बोल रहा था ऐप, मैंने ऐप भी डाउनलोड कर ली थी, आई डोंट नो वो वेबसाइट और ऐप ही फेक है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट बुक करवाया था रूम 2800 का, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे आए, उन्होंने कैंसिल कर दी बुकिंग, लिटरली बुकिंग ही कैंसिल कर दी। बुकिंग कैंसिल क्या, हम उस एड्रेस पे पहुंचे जहाँ पे जो एड्रेस उन्होंने दिया हुआ था, और वहाँ पे कोई होटल ही नहीं था, मतलब मना हो गया कि कोई होटल तो है ही नहीं यहाँ पे। हम कॉल करते तो कहते ये तो हमने फैब होटल बुक किया था, तो उन्होंने बोला कि ये तो कोई बुकिंग हुई ही नहीं, आपने booking.com से करी थी पर हमारे पास कोई बुकिंग नहीं आई। मतलब मैंने उनको बताया था, कह रहे हमारे पास तो कोई बुकिंग ही नहीं आई, ये ओ माय गॉड। तो एंड करते हैं आज के व्लॉग को। सो आज हम सुबह इन शॉर्ट अमृतसर आए, और फिर हम गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ पे मेन हमने सरोवर देखा, क्योंकि अंदर हमको दर्शन करने को मिले नहीं क्योंकि बहुत भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर लंगर हम सुबह खा नहीं पाए, उसके बाद हम लोग गए वाघा बॉर्डर, और वहाँ पे इतना गंदा रश था, हमने वहाँ भी बिल्कुल गेट के अंदर नहीं गए, बाहर बाहर रुके, एंड फिर वहाँ देखी परेड तो देखी खैर, और फिर बहुत सारी रील्स और फोटोज खींची वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग वापस गए गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा, फिर हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग करी हम लोगों ने वहीं पे बाहर, एंड न्यू रोड भी डिस्कवर की। ओह यस, अब आपको दिखाऊंगी मैं डे 2 जो कि कल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।